This is our unit third, that name is critical path method CPM, which is denoted by CPM. So first of all, we will discuss about the introduction of CPM. As I told you, CPM method is abbreviated as CPM. It is closely resembled, but in many aspects. Both CPM and PERT are mainly used in controlling project planning and scheduling the various project. CPM then evaluate the trade-off between project and project completion time. So basically जो अपना CPM है, critical path method है, उसको हम denote करते हैं CPM से, और ये almost similar है किससे, PERT के साथ, जो कि अपना program evaluation review technique होता है. अब दोनों में क्या है, बहुत CPM और PERT में हम हम किस में यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में, या फिर कोई प्लानिंग करते हैं, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शेड्यूलिंग या रीशेड्यूल करते हैं, ठीक है. बट CPM में क्या है कि जैसे हमने PERT में पढ़ा था कि हम इवेंट का यूज़ करते हैं और समटाइम्स डमीज का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या है कि इसमें क्रिटिकल पाथ मेथड में हम ये एवेलेट करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसका मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम या एक्टिविटी प्रोजेक्ट टाइम, वो हम किस में वो हम CPM से एवेलेट करते हैं. तो जो बेसिक डिफरेंस है CPM और PERT में, PERT में यह था कि हम नेटवर्क एनालिसिस चैन बनाते थे जिसके थ्रू उनका एक रिलेशन बनता था, देन उसके बाद हम प्रीडिसेसर वगैरह सक्सेसर निकालते थे एक्टिविटीज़ में. बट CPM में क्या है कि CPM में हम टाइम एस्टिमेट को मेनली कंसीडर किया जाता है, ठीक है. CPM में जैसे हमने कुछ टाइम्स की एक दो कैटेगरीज पढ़ी थी PERT में, जैसे अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम था, एक्सपेक्टेड टाइम था. बट ऑन द अदर हैंड जो CPM है, CPM इस पर डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम पे, ठीक है. और या फिर हम ये भी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम मॉनिटर करना, प्लानिंग्स करना या शेड्यूलिंग करना, वो हम किस में करते हैं, CPM में. ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन. ओके, then this is the main difference between CPM versus PERT. First one is PERT. PERT is that technique of project management which is used to manage uncertain, like time is not known, activities of any project. On the other hand, in CPM is that technique of the project management. देखो main चीज ये है कि ये दोनों technique हैं किसकी, project management में. एक में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें टाइम मालूम ना हो तो हम वो टाइम निकालते हैं, लाइक एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, या फिर हम वो TSOTE और TL निकालते थे. बट इसमें CPM में क्या होता है, हमें टाइम पता होता है किसी भी एक्टिविटीज के, किसी भी प्रोजेक्ट के. देन सेकंड पॉइंट, इट इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक विच मीन दैट नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट. एंड इन CPM, it is activity-oriented technique, which means that network is constructed on the basis of activities. एक में event हो गया और एक में activity हो गया. Then उसके बाद हम उसमें क्या निकालते थे, probability model निकालते थे, जैसे T हो गया, TP, TM. ये आपका सब क्या था, time था, optimistic, pessimistic और most likely. But इस case में determinist model निकालते हैं, जो कि तुम आगे चल के पढ़ोगे. इसमें क्या है कि हाई प्रिसीजन टाइम एस्टिमेशन होता है, ठीक है. और CPM में जो है वो रीजनेबल टाइम एस्टिमेशन होता है, ठीक है. और हम ज़्यादातर, हमने जो डम्मी का तुमने पढ़ा था, डम्मी का ज़्यादातर यूज़ CPM में होता है. अगर हम कंपैरिजन करें डम्मीज का PERT और CPM में, तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो किसमें होता है, CPM में, ठीक है. अब
पर्ट में इतना हमने यूज नहीं किया है डमीज का। तो अगर हम डमीज की बात को लेके चलें किसी भी एक्टिविटीज के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्टिविटी के सीक्वेंस को किसमें, सीपीएम में। ओके, ये शायद मैंने तुम्हें डिफरेंस पहले भी बताया था यूनिट सेकंड में पर्ट का और सीपीएम का। तो बेसिक जो पर्ट तो तुमने पढ़ लिया कि पर्ट में ये होता है, टाइम एस्टिमेट निकालते हैं हम, या इवेंट पे कोई काम करते हैं जिसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम वगैरह सब निकालते हैं। बट सीपीएम में क्या होता है कि टाइम आपको गिवन होता है, ठीक है, टाइम जो अब आपका गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आपको जो भी निकालना होता है सम या एक्सपेक्टेड टाइम का निकालो, इवन चाहे जैसे अपन पर्ट में निकालते थे टी ओ निकाला था हमने, देन उसके बाद टी पी निकाला था, देन टी एम निकाला था। बट इस केस में क्या है होता है कि जो हमारे पास टाइम होता है वो टाइम गिवन होता है, और जो भी आगे चल के जैसे लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम हो गया या कोई और टाइम हो गया वो निकालना हो तो हम वो निकालते हैं इसमें, ठीक है। ये इसका मेनली डिफरेंस था। अब डमीज में इसमें क्या है कि इट डज नॉट यूज एनी डमीज एक्टिविटी। सो पर्ट में जो है वो डमीज का यूज मतलब बहुत रेयर होता है, और सीपीएम में हम क्या करते हैं, इट यूजेस डमीज एक्टिविटीज फॉर रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। के हम सीपीएम में इसका यूज करते हैं डमीज का, इसके लिए रिप्रेजेंट किसी भी एक्टिविटी के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, डिफरेंस पता चल गया सर? सीपीएम कॉस्टली है सर? हाँ, सीपीएम जो है कॉस्टली नहीं है, इन द सेंस अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो अपन पर्ट में हम नेटवर्क एनालिसिस निकालते थे, जैसे देखा होगा कैसे प्रीडिसेसर और सक्सेसर को वो करते थे आपस में। बट ये जो सीपीएम है ये किस पे है, टाइम बेस है, टाइम एस्टिमेशन पे है। ये टोटली डिपेंड होता है किस पे, आपका जो टाइम एस्टिमेशन है, चाहे वो मिनिमम कितना हो या मैक्सिमम कितना हो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, ये उस पे डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट है, जहां से समझ नहीं आएगा, इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। देन नेक्स्ट इज द टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी। टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी इट्स मीन हमें कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट या एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है। दिस टर्म इज नोन एज टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी। के आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑफ द नेटवर्क अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटी। इट्स मीन दैट के हमें कोई भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी या कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम हमें चाहिए, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी। बट टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एज आई टोल्ड यू के आपका सीपीएम टाइम पे डिपेंड करता है, कंप्लीशन टाइम पे, आइदर वो मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो। तो ऐसे ही अब टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम विच इज डिनोटेड बाय TE, एंड लेटेस्ट अलाउएबल ऑकरेंस टाइम विच इज डिनोटेड बाय TL। दीज टू कैटेगरीज ऑफ टाइम एस्टिमेट एक्टिविटीज। व्हाट इज अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम एक्टिविटी? अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम एक्टिविटी क्या होता है? इट इज द अर्लीस्ट टाइम एट विच एन इवेंट ऑकर द टाइम विच ऑल द एक्टिविटी लीडिंग टू एन इवेंट अंडर कंसीडरेशन आर कंप्लीट। इट इज कॉल्ड एज अर्लीस्ट इवेंट टाइम। दिस इज इक्वल टू द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी प्लस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। मतलब
अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम वो टाइम हो गया कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। दिस इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कि हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन ड्यूरेशन ऑफ द होल एक्टिविटी, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, बगैर किसी कंसिडरेशन के, बगैर किसी कंडीशंस के, उसको हम बोलते हैं अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। एंड द फॉर्मूला इज टी ई इज इक्वल टू मैक्सिमम टी ई आई प्लस टी आई जे। टी ई आई जे इज इक्वल टू स्टार्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड प्लस टी आई जे इज ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ओके, सो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑकरेंस टाइम वो टाइम हो गया आपका कि हमें स्टार्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, एंड विच इज डिनोटेड बाई टी ई इज इक्वल टू। अब देखो इस केस में क्या है, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम में मैक्सिमम होता है, टाइम क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्ट टाइम होता है और जो हमारा एंड टाइम होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, और बात करें अगर दूसरे वाले टाइम की, लेटेस्ट अवेलेबल टाइम की, तो इसमें हम क्या लेते हैं, टाइम को कंसिडर करते हैं इसमें, और उसमें मेनली डिफरेंस ये है कि लेटेस्ट अवेलेबल ऑकरेंस टाइम इसमें एक तो मिनिमम लेते हैं और दूसरा हम उसमें क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक है, इसको बोल, इट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन इवेंट मस्ट बी कंप्लीटेड टू सच दैट प्रोजेक्ट टाइम इज नॉट अफेक्टेड। मतलब आपने कोई टाइम फिक्स कर लिया कि अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट करना है, तो वो बगैर किसी मतलब कोई कंडीशन के या उसमें कुछ रोक टोक नहीं आई और वो तुम्हारा काम आराम से कंप्लीट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट अलोबल ओकरेंस टाइम। तो दो टाइम कौन से हैं, एक अर्लीस्ट ओकरेंस टाइम और दूसरा है आपका लेटेस्ट अलोबल ओकरेंस टाइम, विच इज डिनोटेड बाई टी एल, याद रखना है आपको। और इस केस में हम क्या लेते हैं, टाइम को मिनिमम लेते हैं और इसमें माइनस लेते हैं। ठीक है, सो ये आपके क्या था, टाइम डिवाइडेशन था, किसका, टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी का। ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? सो द मेन डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम एंड लेटेस्ट अवेलेबल ऑकरेंस टाइम इज लाइक अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, जो टाइम आपका स्टार्ट होने में लगे और फिर उसके बाद कंप्लीट होने में लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम। ऑन द अदर हैंड, लेटेस्ट अवेलेबल टाइम आपका वो टाइम हो जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट मिनिमम टाइम में अगर कंप्लीट हो रहा है, बगैर किसी फेलियर के, बगैर किसी कंडीशंस के, बगैर किसी अफेक्टेड किसी भी कंडीशंस के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट अलोबल ओकरेंस टाइम, एंड विच इज डिनोटेड बाय टी एल। हो गया क्लियर, ये लेटेस्ट अलोबल ओकरेंस टाइम और अर्लीस्ट टाइम जो था आपका, सर इसी का कोई इसमें कंफ्यूजन? एक बार फिर से बता देता हूँ स्टार्टिंग से। क्रिटिकल पाथ मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इस मेथड को हम शेड्यूलिंग में यूज़ कर सकते हैं और इस मेथड को हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद इस प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट जो है आपका टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट है। क्रिटिकल पाथ मेथड एक ऐसी टर्म है जो कि टाइम बेस्ड है, टोटली डिपेंड है किस पे, इट इज टोटली डिपेंड ऑन टाइम, एंड क्रिटिकल पाथ मेथड इज स्टैंड फॉर सीपीएम। ठीक है, आर इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट सीपीएम इज स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पर्ट इज प्रोग्राम एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, दैट इज पर्ट, एंड द सीपीएम इज
क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT इज दैट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज यूज टू मैनेज अनसर्टेन टाइम इज नॉट नोन एनी एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट. ऑन द अदर हैंड द क्रिटिकल पाथ मेथड इज दैट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोजेक्ट विच इज यूज टू मैनेज only certain time is known as activities of any project. It is event oriented technique, which means that network is constructed on the basis of event. And in CPM it is activity oriented technique, which means that network is constructed on the basis of activities. And this is probability model, like TO is optimistic, TP is pessimistic, and TM is most likely time. And in CPM, it is determinist model, like time-based, time estimation activity. In simple word, we can say that. In PERT, the next point is it majorly focus on time as meeting time target or estimation of percent and completion is more important. And the CPM, it majorly focuses on time cost trade-off as minimizing cost is more important. And it is appropriate for high precision time estimation. It is appropriate for reasonable time estimation. It has non-repetitive nature of job. It has repetitive nature of job. It does. There is a no chance of crashing, and there is no certainty of time. There may be crashing because of certain time foundation. And the last is, it does not use any dummy activity. It uses dummies activities for representing the sequence of activities. So CPM और PERT में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो CPM है वो नेटवर्क एनालिसिस पे डिपेंड करता है, और PERT की बात करें तो वो टाइम बेस्ड एक्टिविटी है. एक में इवेंट ओरिएंटेड है जिसमें हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, और दूसरा में एक्टिविटी ओरिएंटेड है जिसमें हम टाइम का यूज़ करते हैं. एक में टाइम गिवन होता है लाइक TO, TP और TM, जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ता है उसकी हेल्प से. और ये क्या है, टाइम एस्टिमेशन एक्टिविटी है. देन उसके बाद एक में हाई प्रिसीजन ऑफ टाइम एस्टिमेशन होता है, और एक में मिनिमम टाइम एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होता है. देन उसके बाद इसमें ये कहता है कि PERT में हम डमीज का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, और इसमें CPM में जो मेन यूज़ होता है वो किसका होता है, डमीज का. किसके लिए, सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए. देन नेक्स्ट है आपका टाइम एस्टीमेट एक्टिविटी. अब टाइम एस्टीमेट एक्टिविटी मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, देन उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन उसको फिनिशिंग में कितना टाइम लग रहा है. दिस टर्म इज नोन एज टाइम एस्टीमेट activity, like after finalizing of the network, our next step is to estimate the time required for the execution of activity. Like as I earlier said, that it is divided into two categories, earliest occurrence time and latest allowable occurrence time. Earliest occurrence time is TE and latest allowable occurrence time is TL. Okay, and what is earliest occurrence time, what is latest allowable time? Earliest occurrence time, it is the time at which an event occurred, the time which all the activity leading to event under consideration are complete. It is called as earliest event time. This is equal to the earliest start time of the activity plus the duration of activity. लाइक अर्लीस्ट ओकरेंस टाइम आपका वो टाइम है कि आपका जिस टाइम में आपको स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है बगैर किसी कंसीडरेशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट ओकरेंस टाइम, जो कि मैक्सिमम होता है और
अगर फार्मूले में बात करें तो इसको डिनोट करते हैं टी ई इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम जो होगा, और टी ई आई आपका जो होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, एंड प्लस टी आई जे इज इक्वल टू दैट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. दिस इज अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम एंड विच इज डिनोटेड बाई टी ई. एंड द नेक्स्ट इज लेटेस्ट अलोएबल ऑकरेंस टाइम. इट इज द लेटेस्ट टाइम बट विच बाई विच एन इवेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड टू सच दैट द प्रोजेक्ट कम्प्लीशन टाइम इज नॉट अफेक्टेड. टी एल इज इक्वल टू मिनिमम माइनस टी आई जे. इस केस में हम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं और माइनस का माइनस, पहले वाले में प्लस होता है और इसमें माइनस होता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टी ई एंड टी एल. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है अगर जहां से समझ नहीं आया. ओके समझ आ गया क्या? हाँ सर. किसी का कोई क्वेश्चन? पूछो बताओ. सर मतलब इसके पहले भी सर जो सेकेंड यूनिट में पढ़ाई हुआ था सर, सीपीएम और पीईआरटी पार्ट में सर अंतर बताए थे सर. सेकेंड यूनिट में सर, और इसी यूनिट में भी, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर? पार्ट में हम क्या यूज करते हैं, नेटवर्क का, नेटवर्क नेटवर्किंग हमने बनाई थी ना, याद है? यस सर. जैसे वो कुछ क्वेश्चन दिए थे हमें नेटवर्क बनाना जिसमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर का यूज करते थे, ठीक है, और एक्सपेक्टेड टाइम की हेल्प से हम क्या निकालते थे, अपना टाइम निकालते थे. बट सीपीएम में क्या है कि आपको टाइम दिया होगा, टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसमें से मैक्सिमम टाइम निकालना पड़ेगा या मिनिमम टाइम जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा तो वो हम निकालेंगे. सर बैक स्लाइड कीजिए तो थोड़ा सर बैक है ना सर, वो तो मतलब मेरा कहने का मन सर इसमें भी सर सीपीएम और पॉट के अंतर बताएं दोनों का कि सीपीएम क्या होता है पॉट, और इसके मतलब पीछे वाले यूनिट में भी बताया है. हाँ दोनों में बताया हूँ, ये रहा. हाँ ये मैं, और पीछे वाला यूनिट में भी तो बताया ना सेकंड यूनिट में. हाँ हाँ उसमें भी बताया था, उसमें अपन ने सीपीएम नहीं पढ़ा था तो खाली पट पढ़ा था, तो डिफरेंस मैंने बताया था. मैंने बोला था सीपीएम का आगे नेक्स्ट बताऊंगा, अब सीपीएम हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने ये तुम्हें डिफरेंस बताया दोबारा से. बाकी चीज सेम ही है वो, ठीक है, कंटेंट जो है वो सेम है. को पढ़ ले चाहे इसको पढ़ ले दोनों तो. हाँ 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 समझ गया सर, कंटेंट सेम है. अच्छा है सर. और सर इसको हम अपने भाषा में लिख सकते हैं ना, शॉर्ट मान लीजिए थोड़ा लॉन्ग है, मान लीजिए कि पांच पांच पॉइंट भी देकर लिख सकते हैं इसमें दो चार. ओके सर, जहां से समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा. तुमने बताया था कि वो हाथ से लिख के वो करना, उसमें मैंने देखा उसमें बहुत टाइम लगता है. सर ठीक है सर, यूनिट सर आज भेज दीजिएगा ये इसका पीपीटी. ठीक है भेज दूंगा मैं, थर्ड यूनिट से ही सर बनाया जाए. ठीक है सर भेज दीजिए. सर रिजल्ट का प्रोसेस कहाँ पहुंचा सर? रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा 15 अगस्त से पहले का बोल रहे हैं. मतलब कंफर्म है सर कि सर 11 तारीख हो गया, मतलब 12 13 पहुंच जाएगा कल या परसों. हाँ हाँ बहुत अच्छा सर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट का के इट इंक्लूड्स द शेड्यूल कन्वर्ट एक्शन प्लान इनटू ऑपरेटिंग टाइम टेबल, बेसिस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट, कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ पार्ट वाज सो सक्सेसफुल दैट द एंटायर प्रोजेक्ट. तो बेसिकली जो पार्ट है, पार्ट वो क्या काम करता है कि जो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का काम करता है, देन उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर
हम कोई भी रीशेड्यूल या शेड्यूल करते हैं तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पर्ट की हेल्प से, ताकि हमारा एक जो प्रोजेक्ट हो वो क्या हो जाए, सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्ट। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम इज, पर्ट स्टैंड फॉर प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम स्टैंड फॉर लाइक क्रिटिकल पाथ मेथड। अब दोनों ही ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कैलकुलेशंस, बट इनका जो मेन डिफरेंस है वो टाइम एस्टिमेशन को लेके है। पर्ट में हम गैंट चार्ट का यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग और शेड्यूलिंग के थ्रू, बट सीपीएम क्या है, सीपीएम जो है वो एक ऐसा पाथ मेथड है जो कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो भी यूज़ होता है। आगे चल के हम सीपीएम, अभी तो हम पर्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट जो है सीपीएम है उसको अच्छे से हम डेप्थ में पढ़ लेंगे तो हमें ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद है आपका टाइम एस्टीमेट। अब टाइम एस्टीमेट्स मीन ये हो गया कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसको हम कंप्लीट करते हैं तो हमें टाइम की तो नीड रहती ही है, ठीक है, उसके या ही स्टार्टिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम का, हम मतलब हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो किस पे डिपेंड रहता है, टाइम ड्यूरेशन पे। तो टाइम एस्टीमेट एक ऐसा लाइक फैक्टर है इसमें पर्ट में या प्रोजेक्ट में, जिससे क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट को मिनिमम टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने में, या कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। सो प्रोजेक्ट में पूरा खेल टाइम एस्टीमेट्स का रहता है, ताकि उससे क्या होगा कि अगर हमें टाइम का एस्टीमेट पता होगा तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इफेक्टिवनेस आएगी, एकदम स्मूथली से वो लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, इकोनॉमी का पता चल जाएगा। जैसे हम किसी को भी रीशेड्यूल करते हैं या कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें ये सब पता चल जाता है। तो टाइम जो है, टाइम का एस्टीमेट होना किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मेन रोल प्ले करता है। अगर हमें टाइम उस प्रोजेक्ट का हमें पता चलेगा कि इतना टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, या फिर उसको हमारा किसी कारण टाइम एक्सटेंड हो गया, तो वो सब किस में आता है, टाइम एस्टीमेट्स में। टाइम एस्टीमेट की बात करें तो टाइम एस्टीमेट को तीन कैटेगरीज में डिफाइंड किया गया है। द थ्री काइंड्स ऑफ टाइम एस्टीमेट आर मेड फॉर ईच एक्टिविटी इन पर्ट आर, फर्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट एंड देन सेकेंड वन इज पेसिमिस्टिक टाइम एस्टीमेट विच इज डिनोटेड बाई TP, एंड ऑप्टिमिस्टिक इज डिनोटेड बाई TO, एंड द लास्ट इज मोस्ट लाइकली टाइम एस्टीमेट विच इज डिनोटेड बाई TM। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम एस्टीमेट विच आर यूज इन पर्ट। ये सब पहले भी मैं तुम बता चुका हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम कौन सा टाइम होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट में मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से बगैर किसी कंडीशंस या प्रॉब्लम्स के, तो उस टाइम्स को हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कितना टाइम लग रहा है, उस स्टार्ट करने में मिनिमम टाइम कितना जो भी लगेगा उसको हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। बगैर किसी प्रॉब्लम के या बगैर किसी कंडीशन के फेस किए हुए उसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं उस एक्टिविटी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम डिनोट किससे करते हैं, TO से। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम एक ऐसा टाइम है कि जिसको हम डिनोट करते हैं TP से, और ये एक ऐसा टाइम है कि जैसे कि मैक्सिमम टाइम आपको कितना चाहिए उस प्रोजेक्ट को, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, या किसी कारण हमारा प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाता है, उसकी टाइम ड्यूरेशंस बढ़ जाती हैं, हमें अगर टाइम पे अगर लेबर हमारे पास अवेलेबल ना हो, मशीनरी वगैरह या मटेरियल्स, या हमारे पास कोई दूसरा तीसरा रिसोर्स अवेलेबल ना हो, तो उसके कारण जो भी टाइम में एक्सटेंशन हो जाएगा, जो काम हमें 6 महीने में कंप्लीट करना था वो अगर इन द सेंस के 9 महीने लग रहे हैं या इवन साल लग रहा है, तो जो टाइम में एक्सटेंड हो जाना
उस टाइम को हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, एंड पेसिमिस्टिक टाइम इज डिनोटेड बाय टी पी। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि ये इंक्लूड नहीं किया जाता है, जैसे कि अगर फ्लड्स वगैरह आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फायर का हो गया, या लेबर स्ट्राइक हो गया, तो इन सब फैक्टर्स को कंसीडर इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा आपके पास मटेरियल ना होना, या फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या फिर कोई और दूसरी तीसरी टर्म ऐसी आ गई कि जिसके कारण आपके टाइम में एक्सटेंशन हो गया, तो जितना वो टाइम में एक्सटेंड हो जाना, जो मैक्सिमम टाइम लगेगा आपकी एक्टिविटी को कंप्लीट होने को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम। देन आपका थर्ड था मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम मैंने बताया था कि मोस्ट लाइकली टाइम एक ऐसा टाइम है कि जिसको हम डिनोट करते हैं टी एम से। ये एक ऐसा टाइम है कि जो लाइज करता है किसके बीच में, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बीच का टाइम जो है। एक प्रोजेक्ट अगर आपका मिनिमम टाइम ले रहा है और एक प्रोजेक्ट अगर आपका मैक्सिमम टाइम जितना भी वो ले रहा है, उन दोनों के जो बीच का टाइम होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम। अब इसकी एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कोई तुम ब्रिज बना रहे हो, उसको मिनिमम टाइम जो है वो लगना चाहिए था, एक साल लगना चाहिए था या 8-9 महीने, बट वो किसी कारण, किसी ऐसी कंडीशंस के कारण वो लेट हो गया, एक साल की जगह 1.5 साल में कंप्लीट हो गया। तो जो वो 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच का टाइम था, उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम। देन उसके बाद था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक ऐसा मतलब टर्म थी कि जिसमें हम क्या करते थे, नंबर ऑफ जॉब्स को कंप्लीट करते थे, ये इस कर्व से हम ये मतलब टाइम कंप्लीशन या फिर जो आपका जॉब कंप्लीट होता था उसके कारण ये हम यूज़ करते थे इसमें, या फिर हम इसको किसी फिगर्स में ड्रा करके ये हम पता लगा सकते थे कंप्लीशन ऑफ टाइम का या फिर जॉब्स कंप्लीट का। देन उसके बाद था आपका, ये इस टाइप का कुछ था आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो अगर नॉर्मल कर्व होगा तो वो इस टाइप से, जैसे इसमें टी ओ दिया है, टी एम दिया है और टी पी भी दिया है। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग कर्व बनाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो नॉर्मल कर्व इस टाइप का होगा, लेफ्ट अगर हमारा टी ओ टी एम या टी पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इस टाइप का कर्व बनेगा, तो हम उसको लेफ्ट स्क्यू कर्व बोलेंगे। तो अगर इसमें ऐसा कुछ चेंज आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट स्क्यू कर्व। देन उसके बाद आपका था मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, ये मीन टाइम आपका वो टाइम था कि जिससे हम क्या करते थे कि कोई भी हमारा जो भी इवेंट था या फिर हमारा कुछ भी एक्टिविटीज था, तो उसको हम टाइम ड्यूरेशन को किसी अल्जेब्रिक सम से या नंबर से डिवाइड करके अपना जो मीन टाइम निकालें, मीन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालें, उसको हम बोलते थे मीन टाइम। जैसे कि ये कोई इसका एग्जांपल है कि अगर हमें मीन टाइम निकालना है तो हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका था नेक्स्ट डेविएशन। अब डेविएशन ये वो एक ऐसी टर्म है कि जिसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, मीन टाइम को कंसीडरेशन करते हैं उसका। जब मीन टाइम अपने पास से निकल जाता है और अगर हम डेविएशन निकालेंगे तो और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो अगर हमें मीन टाइम होगा पता होगा तो हम उसके हेल्प से डेविएशन निकाल सकते हैं, तो अगर हमें दोनों पता होंगे तो उनमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा हम उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। फिर उसके बाद था आपका वेरियंस। वेरियंस एक ऐसा
लाइक टर्म है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यूज का सम निकाल सकते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के थ्रू, या अपने पास जैसे मीन टाइम पता होगा या फिर ये डेविएशन पता होगा, तो इसके सम से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। फिर देन उसके बाद आपका नेक्स्ट था एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड टाइम क्या था कि मान लो कि ये एक ऐसे, जैसे हमने तीन टाइम्स पढ़ लिए, बेसिक्स, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इतने टाइम में अगर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट, जैसे हम ये अनुमान लगाते हैं कि अगर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो 4 महीने या 6 महीने में कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम उस जो वो हमारा एक्सपेक्ट करना उस टाइम को लेके किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। जैसे कि आपकी डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि एक्सपेक्टिव टाइम हम किसकी हेल्प से ले सकते हैं, जो हमारे पास मीन टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी का, आफ्टर द एस्टिमेशन ऑफ 3 टाइम एस्टिमेट वी शुड ऑब्टेन एवरेज और मीन टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। द एवरेज और मीन टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड टाइम। और इस केस में हम क्या करते हैं, जब ये हम ये फार्मूला बनाते हैं एक्सपेक्टेड टाइम का, टी इज इक्वल टू टी, दैट इसको डिनोट करते हैं टी से, तो ये आपका हो जाता है टी ओ प्लस 4 TM प्लस TP। बट इसको कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम इसको वेटेज दे दें, तो अगर हमारे पास टी ओ है उसको हम एक सम का वेटेज दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह टी ओ है तो उसको 4 का वेटेज दे देंगे, और टी एम है उसको भी 1 का वेटेज दे देंगे। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल में इस फार्मूले के थ्रू 2-3 न्यूमेरिकल किए थे और उसमें हमने सबको वेटेज दिया था। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, टी ओ जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, और ये आपका टी एम जो था मोस्ट लाइकली, और टी पी पेसिमिस्टिक। इस टाइप के हमने न्यूमेरिकल किए थे जिसमें हमने क्या निकाला था, एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था किसी भी एक्टिविटी का। जैसे ये फार्मूला हमने यूज़ किया, पहले हमने इन सब वैल्यूज का सम निकाल के फिर हमें एक्सपेक्टेड टाइम निकाला, तो हमारा कुछ इस प्रकार का जो आंसर आया उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। देन उसके बाद था आपका लेटेस्ट अलोबल टाइम। लेटेस्ट अलाउबल टाइम एक ऐसा टाइम था कि जैसे कि आपकी डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ द मैक्सिमम टाइम ऑफ एन इवेंट बाई विच इट मे बी अलाउड टू ऑकर विदाउट अफेक्टिंग द कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड डिनोटेड बाई टी एल। ठीक है, लेटेस्ट अलाउबल अक्रेंस टाइम एक ऐसा टाइम है कि हमारा प्रोजेक्ट बगैर किसी अफेक्ट के, बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी कुछ ऐसी रोक से जो हम कंप्लीट करें उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट अलाउबल ऑकरेंस टाइम एंड विच इज डिनोटेड बाय टी एल। जैसे कुछ टाइम्स मतलब समटाइम्स क्या होता है कि हम अपना प्रोजेक्ट किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे दे देते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे के, किसी से थर्ड पर्सन से काम करवाते हैं जब, तो वो प्रोजेक्ट किस में आ जाता है, लेटेस्ट अलाउबल उस टाइम को जितना टाइम लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट अलाउबल अक्रेंस टाइम। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था स्लैक। अब स्लैक क्या है, स्लैक एक ऐसी टर्म है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि जो लेटेस्ट अलाउबल और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम का जो बीच का डिफरेंस हमें पता करना हो, तो हम वो कैसे करें, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्लैक। अब स्लैक का फार्मूला क्या है, एस स्टैंड फॉर स्लैक एंड टी एल माइनस टी ई। ठीक है, अब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउबल टाइम का जो हमें डिफरेंस फाइंड करना हो, तो जो उससे जो सम उसका निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक। अब स्लैक दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव स्लैक एंड देन उसके बाद आपका नेगेटिव स्लैक। पॉजिटिव स्लैक क्या है, पॉजिटिव स्लैक इज ऑब्टेन व्हेन टी एल इज मोर देन टी ई फॉर एन इवेंट। जब स्लैक हमारा बड़ा हो जाता है, टी एल हमारा बड़ा हो जाता है किससे, टी ई से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लैक।
एंड इट इज डिनोटेड बाई, ये आपका हो गया पॉजिटिव का साइन एस फॉर स्लैक और टी एल माइनस टी ई. दिस इज द फार्मूला ऑफ पॉजिटिव स्लैक. एंड द नेक्स्ट इज नेगेटिव स्लैक. अ नेगेटिव स्लैक इज ऑब्टेन्ड व्हेन टी एल इज लेस देन टू टी ई फॉर एन इवेंट. जब हमारा नेगेटिव स्लैक टी एल से लेस देन हो जाएगा टी ई से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लैक. और ये डिनोट किससे करते हैं हम, ये आपका हो गया नेगेटिव का साइन और ये एस हो गया स्लैक और टी एल माइनस टी ई जो आपका फॉर्मूला है. सो दिस इज द नेगेटिव स्लैक. देन द कंपैरिजन बिटवीन सी पी एंड पर्ट. अब क्या कंपैरिजन था सी पी एम और पर्ट के बीच में, जो सी पी एम है वो क्या करता है कि वो नेटवर्क्स की कैलकुलेशन करता है, बहुत सारे एक्टिविटीज के टाइम की कैलकुलेशन करता है, ठीक है. और पर्ट सी पी एम अभी हमने इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है. और पर्ट की बात करें तो पर्ट पर्ट में क्या होता है कि तीन टाइम रिक्वायर्ड होते हैं हमें एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, या फिर हमें उस टाइम का पता करना हो, या हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं पर्ट. और सीपीएम भी इसी की यही है, इसमें भी कॉस्ट हमें पता होती है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम सीपीएम निकाल सकते हैं, या फिर हमें कोई भी एक्टिविटी की वैल्यू पता हो तो उसका हम उसे पता करते हैं. देन उसके बाद हमने ये एक एग्जाम्पल करी थी किस पे, एक्सपेक्टेड टाइम पे, जिसमें हमने एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला निकाल के कॉल ड्यूरेशन निकाला था, वेरिएंस निकाला था, और उसके फिर हमें पता चल गया था कि हमारा कोई भी टाइम को हमें अगर रीशेड्यूल करना हो तो कितना टाइम लगता है, ठीक है. फिर देन उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिटिकल पाथ. अब क्रिटिकल पाथ क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी प्रोजेक्ट को कितना ड्यूरेशन लगा उस टाइम को कंप्लीट होने में, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पाथ. बस क्रिटिकल पाथ जैसे हमें एक्सपेक्टेड टाइम पता होगा, स्लैक पता होगा, या फिर लेटेस्ट अलोबल टाइम होगा, तो सब टाइम पता होने के बाद हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के नेटवर्क का, ठीक है. जैसे इसमें लिखा है कि अ क्रिटिकल पाथ इज अ प्रोजेक्ट नेटवर्क व्हिच कमेंस फ्रॉम इनिशियल इवेंट हैविंग जीरो एंड मिनिमम स्लैक एंड टर्मिनेट एट द इवेंट टाइम. जैसे मैंने बताया कि अगर हमें टाइम पता होगा और स्लैक पता होगा तो उसकी हेल्प से हम क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं. देन उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल करी थी इसकी भी, ये वाली. आई होप कि ये तुम्हें समझ आया होगा या तुमने इसको फेयर से किया होगा, तो ठीक है. इसमें भी एक्सपेक्टेड टाइम निकालना था जो फार्मूला लगा के, तो लास्ट पे फिर इसका ये सम आता था. ओके किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी? ये समझ आ गया सबको? हेलो. यस सर. सर थोड़ा सा बैक में वो जो सर ये टी एल और टी ई मतलब इसका मतलब क्या होता है सर? टी एल जो है वो मैंने बताया था ना कि जो लेटेस्ट अलाउबल टाइम होता है, ये देखो इसको मैंने डिनोट किया है लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम जो कि टी एल से डिनोट किया गया है, और जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम होता है टी ई वो होता है आपका एक्सपेक्टेड टाइम. देखो ये रहा एक्सपेक्टेड टाइम विच इज डिनोटेड बाई टी ई. तो लेटेस्ट अलाउबल टाइम जो है वो उसको डिनोट करते हैं टी एल से, और एक्सपेक्टेड टाइम को डिनोट करते हैं टी ई से.
जैसे तुमने इसके एक्सपेक्टेड टाइम के न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो उसमें हमने टाइम ड्यूरेशन को लेके बात किया है। तो अब जब हम सीपीएम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें इस पे भी जब हमें कुछ एक्सपेक्टेड टाइम दिया होगा तो हमें टीएल निकालना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट दिया होगा तो उससे हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड निकालेंगे। सर अगले यूनिट में पढ़ेंगे सीपीएम की इसी यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट में है थर्ड थर्ड यूनिट जो है वो आपका क्रिटिकल पाथ मेथड है। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड था। सेकंड में आपके आपने पढ़ा है पर्ट के बारे में, और थर्ड में तुम पढ़ोगे क्रिटिकल पाथ के मेथड में। और फर्स्ट में हमने पढ़ा था जो वो नेटवर्क वगैरह जो था आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम डमीज वगैरह, इवेंट नोड, एक्टिविटी, प्रीडिसेसर, सक्सेसर। ठीक है, थर्ड यूनिट सर वैसे पढ़ाइएगा सर, जैसे सीखे थी थर्ड थर्ड सेम और फोर्थ सेम में सर पढ़ाएंगे। ठीक है। और कोई किसी का? किसी का कुछ क्वेरीज के रिकॉर्डिंग मैं जहां समझ ना आया हूँ। तुम लोगों ने ये न्यूमेरिकल फेयर्स बना लिए थे?